चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। चित्र अभियान और गोरखपुर न्यूज लाइन की ओर से हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय के तमाम छात्र और युवा, और हम इनसे बात करेंगे पढ़ाई और रोजगार के सवाल पर और शासी लोकसभा चुनाव में उनका क्या नज़रिया है, उनके क्या दृष्टिकोण है। ये पढ़ाई और रोजगार का सवाल इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है और इसलिए है कि यह देश में 42 करोड़ युवा हैं जो 18 से 31 साल की उनकी उम्र है, और युवाओं के मुद्दे पिछले 5 साल सर्वाधिक अनदेखी के रहे हैं। सरकार, मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी, वो चुनाव का मुद्दा बना है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो आप देख रहे होंगे कि जो आप लोगों की फ़ीस जो देनी पड़ रही है, बहुत सारे जगहों पर हो रहा है कि पढ़ाई की फ़ीस लगातार बढ़ रही है, जो स्कॉलरशिप जो खासकर जो मिलते हैं दलित छात्राओं को, वो समय से नहीं मिल रहे हैं, इसको लेकर कोई अगर समस्या हो तो बात जी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में अभी पिछले वर्ष का हम लोग अगर छात्रवृत्ति की बात करें तो बहुत से छात्रों के भी छात्रवृत्ति नहीं आई। कितने भी गरीब परिवार के लोग आते हैं वो अपनी छात्रवृत्ति पर डिपेंड होते हैं कि अगले वर्ष का प्रवेश वो अपनी छात्रवृत्ति से ही लेंगे, लेकिन अभी देखा जाए तो 50% विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। बात करें यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बदतर स्थिति है, यहाँ के डेस्क बेंच सब टूटे पड़े हुए हैं, यहाँ के पेयजल की व्यवस्था की बात हो या साफ सफाई की, लैट्रिन बाथरूम की, हर एक स्थिति यहाँ पर जर्जर अवस्था में है। 320 छात्र यहाँ पर प्रवेश लेते हैं और एक विषय से मात्र 2 छात्रों को छात्रावास अलाउट होता है। फीस रसीद उठाकर देखेंगे तो प्रत्येक बच्चा पंखा शुल्क, सुविधा शुल्क, A to Z शुल्क देता है, चाहे 50 रुपए हो 60 रुपए हो। अगर इतने 13 से 14 हजार बच्चे पढ़ते हैं उनके शुल्क को जोड़ा जाए तो मात्र पंखे के नाम पे उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं और हमारा पैसा बाद भी व्यवस्था खराब है। आपको बता दूं 50 रुपए छात्र संघ शुल्क और 35 रुपए चुनाव शुल्क के रूप में 85 रुपए प्रत्येक विद्यार्थी से लिया जाता है, और पिछले 13 वर्ष में यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में मात्र एक बार छात्र संघ चुनाव हुआ है। 85 रुपए के हिसाब से अगर जोड़ा जाए 15 सालों में करोड़ों रुपया होंगे और उसका गमन इस कुलपति, जहाँ जो जो कुलपति रहे हैं, चाहे यहाँ प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन रहा है, सब लोगों ने मिली जुली सरकार के रूप में, यहाँ के जो कर्मचारी संघ के हैं, जो शिक्षक संघ के हैं, सब लोगों ने उसका गमन। छात्र संघ चुनाव की बात उठी है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष भी चुनाव नहीं हुआ, एक तो 10 साल बाद एक बार चुनाव हुआ और फिर 2 साल से चुनाव नहीं हो रहा है, और इस बार तो चुनाव घोषित करके और सब सारी प्रक्रियाएं आगे चल रही थी फिर उसको रोक दिया गया, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत पूरा ये काम हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग यहाँ पूरी तरह से नहीं जीत रहे थे, पिछले बार 2017 के चुनाव में नहीं जीत रहे थे और 2018 के चुनाव में भी नहीं जीत रहे थे। 2016 के चुनाव 10 साल के बाद हुआ था, उसके बाद परिषद का हवाला पूरी तरह से खत्म हो गया था। 2016 का जब चुनाव हुआ तो परिषद में एक नया माहौल आ गया था, वो माहौल जातविहीन था, वो माहौल बहुत तरह के चीज़ों से एकदम अलग था, एक नई तरक्की और एक नए सोच के अकॉर्डिंग था, और उसमें जो है कि परिषद का कोई मतलब नहीं था। इसलिए जब परिषद हार रही थी पूरी तरह से बैन हो रही थी, और ये योगी का शहर है जहाँ यहाँ परिषद का दबदबा बना हुआ था और वो ख़त्म हो रहा था, जिससे योगी की साख लगी हुई थी और मोदी की साख लगी हुई थी, ऐसे में यहाँ नहीं जीत रहे थे। यही मेन कारण रहा कि विश्वविद्यालय का चुनाव कैंसिल कराना है। आप तो जब बात कर रहे थे तो एक तो आप बता रहे थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किस तरह से अपना दबदबा बनाए रहना चाहता है और उसके चलते 2 बार चुनाव भी नहीं होने दिया गया, लेकिन साथ ही आप इस बात का इशारा कर रहे थे कि कुछ भगवाकरण भी विश्वविद्यालय का हो रहा है। आए दिन विश्वविद्यालय में आप देखेंगे कि हमेशा जो कार्यक्रम विद्यार्थी परिषद के कैंपस में होता रहता है, हर जगह हर कोने में अलग अलग फैकल्टियों में, उसके बावजूद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 2-2 दिन का 3-3 दिन का लगता है, छुट्टी होती है, पढ़ाई में बाधा पड़ती है, सब कुछ जो है ये सरकार के तरफ पर होता है। विद्यार्थी परिषद बिना अनुमति लिए कैंपस से पढ़ने की चीज़ें हैं जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए, झंडा बैनर लगा के अपने इकाई गठित करना, जिसका हम लोगों ने विरोध किया,
तो मुझे विश्वविद्यालय प्रशासन ने सस्पेंड किया। कला संकाय के पास जहाँ बीए की पढ़ाई होती वही चौथे पर उन्होंने कार्यक्रम लगाया था। हम लोग इसका कार्यक्रम क्या करते हैं जरा इसके बारे में बताइए। वो बच्चों को बुलाते, बच्चे क्लास में रहते, क्लास बंक कराते कि क्लास छोड़ दो, टीचर उनके हैं, विद्यार्थी पहले के टीचर है, क्लास खत्म कर देते, बच्चे जब खाली मिलते हैं तो उन्हें ला के अपने कार्यक्रम में बैठा लेते हैं और फिर लगते हैं उन्हें सिखाने के लिए कि जातिवाद का बीज बोने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं कि कैसे आप कुलपत का साथ दो, कैसे व्यवस्थाओं का साथ दो, गलत चीजों पर आवाज ना उठाओ, और खास करके बच्चों को ये सिखाते कि शाखाओं में आप कैसे जाओ। विद्यार्थी परिषद और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के चलते इस बार सत्र में 185 दिन पूरा क्लास चलना था, इसमें से 85 भी दिन क्लास नहीं चला। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे दीपक कुमार जी, वो कहते थे कि उनका एडमिशन हो, उनको एक टॉपिक दे दिया जाए, लेकिन उनके जो विभागाध्यक्ष थे और वो जिसके अंडर में कर रहे थे, दोनों केवल इसलिए उनका उत्पीड़न कर रहे थे कि वो विभागाध्यक्ष चाहते थे कि उनके अंदर में पीएचडी करें और उनके जिसके अंदर वो कर रहे थे एडमिशन कराया था वो चाहते उनके अंडर में। दोनों लोग उनको रोज प्रतिदिन जाति सूचक वाक्य कहते थे, उनको जाति उत्पीड़न करते थे, रेगुलर उन्हें गाली देते थे। वो तब तंग आकर उन्होंने जहर खाने का काम किया, और ये कहिए कि शुक्र की वो मेडिकल कॉलेज जाने के बाद उनकी जान बच पाई, तब भी उन्हें न्याय आज तक नहीं मिला। रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। दलित और छात्रों के साथ और भी कोई घटनाएं हुई हैं क्या? घटनाओं के साथ साथ जो है नंबर जो है देख करके, जात देख करके नंबर दिया जाता है, वायबा में भी नंबर कम किया कर दिया जाता है। जब एडमिशन होता है उसमें विषय के नाम पर कि तुम एससी हो, तुम्हारा राजनीति विषय नहीं मिल रहा है, तुम्हें अपने एससी कैटेगरी में एडमिशन करा लोगे तो तुम्हारा जो है वो विषय मिल जाएगा, इसके नाम पर गुमराह करके आरक्षित सीट में ऐड कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि अन्य विश्वविद्यालयों के तुलना में गोरखपुर विश्वविद्यालय में जातीय उत्पीड़न जैसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर सभी भाई आपस में भाईचारे के रूप में रहते हैं, साथ में भोजन करते हैं, एक ही छात्रावास में हर जात के लोग साथ रहते हैं, एक साथ भोजन बनाते हैं, खाते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कुछ जो घटनाएं हुई हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, घटनाएं कोई भी यहाँ हुई है आम छात्रों के साथ भी हो, उससे उसका जाति का लेना नहीं है। अगर बात फैलाना है तो गोरखपुर होती है ये इस बात को नहीं मानेंगे। आपने अभी बताया कि दो प्रोफेसर जो थे उस छात्र को अपने अंदर रिसर्च कराने को लेकर उसके ऊपर विषय बनाते थे कि मेरे अंदर रिसर्च करो, तुम मेरे अंदर रिसर्च करो, वो चीजें नहीं थी। आज नहीं मिला, मेनका एससी की छात्रा थी, आज भी उसको फेलोशिप नहीं मिला। आज भी जब दीपक बैठे हुए थे तो एक दो छात्र नेता जो सामान्य वर्ग के थे, क्योंकि हम लोग अंतर नहीं करते, क्यों अन्य छात्र नेता नहीं आया? मैं बैठा था, मैं बैठे थे, आप बैठे थे, अन्य छात्र नेता क्यों नहीं आया? यदि जातिवाद नहीं होता, जो लोग कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं होता है, वो ये बताने का कोशिश करें कि अभी तक विश्वविद्यालय में जो गोल्ड मेडल मिलता है वो क्यों स्वर्ण कास्ट के लोगों को मिलता है? जो रजिस्ट्रेशन होते हैं पीएचडी में सबसे पहले उन्हीं को बाध्यता क्यों मिल जाती है, उनको नंबर क्यों मिल जाता है, और नंबर जाति के आधार पर ही क्यों दिया जाता है? जिस प्रकार से अभी कई बार में मतलब कई सालों से कांसीराम पीठ है उसको बंद कर दिया गया है, ये माननीय क्या नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पीठ है उसे भी बंद कर दिया गया है, लेकिन यही गुरु गोरखनाथ पीठ को पैसा दे करके बढ़ावा दिया जा रहा है, ये क्या है? मेरे मित्र ने एक विषय उठाया कि हम जातिवाद करते हैं, हजारों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ करता है, जातिवाद करने का काम वो करते हैं, हम लोग अगर आवाज उठाते हैं हम जातिवादी हो जाते हैं। अपने दूर दराज से आप सोच लीजिए, कुशीनगर देवरिया कसिया से दूर दूर दराज से आने वाले विद्यार्थी जो गरीब किसान है, मजदूर है, और एक लेबर तबके का बच्चा अगर वो एडमिशन लेने आता है केवल जाति प्रमाण पत्र के नाम पे, उसे रोज दौड़ाया जाता है, तीन दिन चार दिन दौड़ाया जाता है, अगर हम आंदोलन करते तो हम जातिवादी हैं। एक रोजगार का सवाल बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, तो आप लोगों में से कोई है जिन्होंने परीक्षा नौकरी के लिए कोई परीक्षा दी है, आपका क्या अनुभव है? एक हाँ जी आप बताइए। मैं बीएड किया हूँ, बीएड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, उसके बाद नेट हूँ हिंदी में, और मैं अभी सीटेट परीक्षा पास किया हूँ, टेट और सीटेट परीक्षा पास करके 59,000 वाली परीक्षा में मैं अभ्यर्थी हूँ। लेकिन सरकार जो है ज्वाइनिंग की एक उम्मीद थी कि अभी आने वाले टाइम में एक दो महीने में नौकरी लग जाती, लेकिन ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, वो लगातार भर्तियों को फंसाते जा रहे हैं और छात्रों को लटकाए जा रहे हैं, तो बेरोजगारी इस कदर बढ़ रही है कि अब ऐसे में हम युवा करें क्या, कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, क्या करें क्या नहीं करें, और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है रोजगार। जो ये सवाल उठ रहा था कि खासकर दो सालों में जब मुख्यमंत्री जी आए हैं तो लोगों को उम्मीद थी कि जो उन्होंने वादा भी किया था, भाजपा सरकार ने वादा किया था कि हम लोग जल्दी से खाली पदों को भरेंगे, भर्तियां करेंगे, लेकिन इस दो सालों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं सबका एक तो पेपर आउट हुआ है और फिर उनके रिजल्ट भी नहीं निकल पा रहे हैं। पिछले जो परीक्षाएं हुई
उसके भी रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, तो इससे कोई भी भर्ती जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो इससे युवाओं का बहुत सारे प्रदर्शन इलाहाबाद में हुए, लखनऊ में हुए, कुछ यहाँ भी हुए, उसमें आप लोगों का उसके बारे में क्या है कि रोजगार भर्ती के जो दावे थे, जो प्रदेश सरकार ने भी किया था, केंद्र सरकार ने भी किया था कि हम लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार भर्ती निकल रही है, लोग फार्म भर रहे हैं 700, 800, 1000 रुपया वाला, जो फार्म जो है 2 साल पहले जो है 10 रुपया में भरा जाता था, क्यों भैया आज लोग 10 रुपया में भरते हैं, जो परीक्षा भी बढ़िया होती थी और पेपर लीक भी नहीं होता था। आज का जो भर्ती के जो समय चल रहा है, अब भर देते हैं, फार्म भरने के बाद आप जाते हैं परीक्षा देते हैं, परीक्षा लीक हो जाती है, नहीं लीक होती तभी कोर्ट में चली जाती है, और लड़के जो है 2 साल 3 साल 4 साल रहते हैं, उसके बाद भर्ती व्यस्त हो जाती है, सरकार दूसरी आ जाती है। आखिर में ये बताइए कि ये आपने बताया कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, वो भी समुचित नहीं है, जो जो भेदभाव हो रहा है दलित और ओबीसी छात्रों के साथ वो भी है, रोजगार का आपने बताया है कि कोई भी 2 सालों 3 सालों में कोई परीक्षाएं ठीक से हुई नहीं है, उसमें करप्शन भी हुआ है, रिजल्ट भी आउट नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है उस लोकसभा चुनाव में आप लोग क्या सोचते हैं कि जो सरकारें जो रोज़गार के वादे पर आई थी, पढ़ाई ठीक करने के वादे पर आई थी, वो उसमें कामयाब नहीं हुई हैं, तो अब आप युवाओं का रुख क्या रहेगा इस चुनाव में? हमको पढ़ने के बाद रोज़गार का अवसर चाहिए, नौकरी का अवसर चाहिए, व्यापार का अवसर चाहिए। जो सरकार हमारे लिए नौकरी, रोज़गार और व्यापार की व्यवस्था करेगी, हम ऐसी सरकार चुनेंगे। में जो सपना दिखाया गया कि हम रोज़गार देंगे, इस देश को सशक्त बनाएंगे, लेकिन वो इन चीज़ों को भूलकर वो इस देश में जातिवादी बीज बो रहे हैं, इस देश में राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद को परिमाण देने का काम कर रहे हैं। इस देश में जन्मा एक एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, ये स्पष्ट उसका प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, ना ये रोजगार दे पाए, ना शिक्षा में काम दे पाए, ना चिकित्सा दे पाए, किसान आत्महत्या कर रहा है। पहली ऐसी सरकार होगी जो अति पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में 65% का नियम लगा रही है, ये सारे कैंसिल है। हम लोग इस सारे विषयों पे इस बार वोट देंगे और इस बार विशाल परिवर्तन करेंगे। चुनाव के मौके पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय के पंत पार्क में छात्रों के बीच रोजगार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, और जो जो कैंपस जो है यूनिवर्सिटी कैंपस है उसका जो उसमें भगवाकरण हो रहा है, और जो खासकर एससी और ओबीसी छात्रों के साथ जो भेदभाव बढ़ा है, उन सब पर खुलकर छात्रों ने राय रखी, और वो मानते हैं कि इस समय देश का जो चुनाव है वो रोज़गार और पढ़ाई युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और वो इसी आधार पर वो अपना वोट करेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग गोरखपुर न्यूज़ लाइन और चलचित्र अभियान से जुड़े रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।